अस्सलाम वालेकुम। आपका तो बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं और आपका ताल्लुक भी ऐसी शख्सियात से, आप मिस्टर फराजुर रहमान के बारे में क्या कहें? मैं उनको मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले कि वो आए, और उनसे इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं अच्छे काम करेंगे, और पूरी कोरंगी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं उसको बरुए कार लाएंगे और मज़ीद अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। फराज भाई और इनकी फैमिली के साथ हमारा बड़ा पुराना साथ है। इनके बड़े भाई फरहानुर रहमान माशाल्लाह पहले काटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और अब फराज भाई, ये पूरी फैमिली बहुत नहायत मेहनती, अंत तक मेहनत के साथ अपनी कम्युनिटी के लिए भी और अपनी एसोसिएशन के लिए भी जिस तरह ये काम करते हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि काटी को फराज भाई की सर्विसेज से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फराजुर रहमान साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरीके से वो काटी के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके बड़े भाई फरहान जो फरहानुर रहमान साहब, और इन लोगों ने अपना पूरी जान बख्श दी है, मतलब किया है फुल एफर्ट्स के साथ, दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एंड फॉर द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी। फराज भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, काफ़ी गैप आ गया था, मैं असल में हॉस्पिटल में बिजी था, आपने हमेशा मैं याद रखा, मैं पूछा भी, तो अगेन मुबारकबाद। फराज भाई माशाल्लाह वो शख्सियत है, काटी के तो प्रेसिडेंट है, लेकिन हमारी मेमन कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी से इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक भी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि फराज भाई हमेशा यूथ को भी सपोर्ट करते हैं, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, हमारे मेमन कम्युनिटी को, तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो अगेन मुबारकबाद। और जिस तरह GFS की बात की तो इरफान भाई भी हमारे लिए प्राउड है, हमारे लिए, क्योंकि हमें फील होता है, प्राउड फील जब होता है जब मेमन कम्युनिटी किसी भी फील्ड में जिस तरह आगे बढ़ के काम करती है, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं,